हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके इंडिया के आपके सभी एग्जाम के लिए, स्पेशली SSC आपके है, बैंक एग्जाम है, आपका रेलवे एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, PCS एग्जाम है, इनके लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे डेली रेगुलर देखते होंगे। अगर आप इसे डेली रेगुलर देखेंगे तो आपको अपने एग्जाम के अंदर काफ़ी बेनिफिट है जो कि होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले दोस्तों मेरी 3 क्लासेस होती हैं आप सभी लोगों के लिए, 5 बजे जो कि अभी आप देख रहे हो, 7 बजे, और उसके बाद मैं सुबह 8 बजे जो कि आपके CGL CHSL के लिए मैं डेली का इंपॉर्टेंट GK है जो कि कवर करवा रहा हूँ। इस क्लास की PDF आपको क्लास 24 पे मिल जाएगी, और डेली के 10 महत्वपूर्ण सवाल भी मैं आपको क्विज के तौर पर वहाँ पर देता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वृज प्रहार को लेकर, भारत और अमेरिका के बीच किस शहर में इसको करवाया जा रहा है। देखो, वृज प्रहार जो है ना वो मेघालय के उमरोई दोस्तों जिले के अंदर है जो कि इसको करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटल आर्मी वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसने असम में गंभीर संक्रमण पैदा कर दिया है। तो अभी बहुत ज्यादा इंफेक्शन है जो कि असम में फैला हुआ है एक आर्मी वर्म का, जिसका ऑफिशियल नेम आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। ओरिएंटल आर्मी वर्म है, जब कंटिन्यूस वार्म टेम्परेचर होता है ना एक लंबे टाइम तक, तब इस प्रकार का इंफेक्शन है जो कि देखने को मिलता है। नियर बाय ऐसा माना जाता है कि 28,000 हेक्टेयर का जो पैडी एरिया है ना, पैडी क्रॉप है, उसको दोस्तों डैमेज है जो कि इसके द्वारा कर दिया गया है। माइथीमा सेपरेटा इसका नाम है जो कि ऑफिशियल है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसने काफी लार्ज एरिया है, नॉर्दर्न आर्मी वॉर्म भी इसको कहते हैं, है ना, और काफी नुकसान होता है। सबसे पहले दोस्तों तमिलनाडु में 1937 में, केरला उड़ीसा में 1957 में इसको देखने को मिला था, और इसमें आपको कंटिन्यूसली पेस्ट है जो कि यूज करना पड़ता है, तब जाके आप इससे बचने की कोशिश कर पाते हो। रैपिडली दोस्तों ये हाई टेम्परेचर के अंदर ग्रो करता है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ओरिएंटल आर्मी वॉर्म बताया, वैसे एक और होता है फॉल आर्मी वॉर्म भी इसको कहते हैं, एक और होता है ये, समझ गए, इसका स्पोडोपटेरा ऐसा करके इसका साइंटिफिक नेम है जो कि होता है, है ना, मेज को दोस्तों ये खराब करने के अंदर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, फॉल आर्मी वॉर्म जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये आपको दोस्तों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो अमेरिका के हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई अग्नि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आयुष मंत्रालय ने दोस्तों स्टार्ट किया अग्नि इनिशिएटिव, और इसका प्राथमिक जो इनिशिएटिव है, है ना, तो आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है फिजिशियंस के लिए जो कि आयुर्वेदा के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, है ना, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को इनोवेट तरीके से आगे बढ़ा सके, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज कर सके, डेटाबेस बना सके, मेन स्ट्रीम में आ सके। नोडल एजेंसी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस है, और उनके द्वारा दोस्तों ये काम किया जा रहा है, ठीक है, रिसर्च साइंटिफिक लाइन में आयुर्वेदा में किया जा रहा है। इससे पहले भी कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे गए, जैसे कि एक और है स्पार्क करके, ये था स्टूडेंट प्रोग्राम आयुर्वेदा रिसर्च के लिए। वैसे एक और है PG स्टार नाम का प्रोग्राम, एक और है स्मार्ट नाम का प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम जो है वो आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। CCRAS कहां पर स्थित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, ये आपको दिल्ली के अंदर है जो कि देखने को मिलेगा। साहसिक पर्यटन पर मॉडल कानून के अनुसार साहसिक पर्यटन में शामिल प्रमुख तत्व क्या है। मॉडल लॉ ऑन एडवेंचर टूरिज्म, ओके, आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लोग एडवेंचर टूरिज्म के मॉडल लॉज के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करना, नेचुरल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, है ना, तो जो हमारी यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने दोस्तों एक मॉडल लॉ है जो कि एडवेंचर टूरिज्म के सभी राज्यों को दिया है। इसमें बोला है कि आप सम डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व करके जो है वो ट्रैवल कर सकते हो, है ना, एटलीस्ट 2 या 3 एलिमेंट इसमें इंक्लूड होने चाहिए जब भी हम लोग एडवेंचर टूरिज्म के बारे में बात करते हैं। कौन से 3 एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, इन्वायरमेंट के पास में होना चाहिए, और कल्चर जो है वो इमर्सन है जो कि होना चाहिए, ठीक है। हार्ड एडवेंचर एंड सॉफ्ट एडवेंचर, ये लैंड एयर वाटर के बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर है जो कि डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडवेंचर टूरिज्म 2022 के अंदर भी लॉन्च करी गई थी, जहां पर हमने इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी थी। हमारे यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एडवांटेज बताया गया है कि हमारे यहाँ पे हिमालय है, 70% आपको एडवेंचर एक्टिविटीज यहीं पर ही मिलेगी। इसके अलावा सी के पास में 7,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन भी है, फॉरेस्ट में दुनिया में हम 10वें नंबर पर हैं, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट में हम लोग दुनिया के टॉप 3 कंट्री में है, तो हमारे पास में ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है,
नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडवेंचर टूरिज्म, ये सवाल पेपर में आया भी था और आंसर क्या होगा, एडवेंचर डेस्टिनेशन को प्रमोट करना ताकि टूरिज्म में जो कि बढ़ावा मिल सके, ये इसका सही आंसर होगा। नासा का साइकी मिशन 2023 में किस एम के साथ में लॉन्च किया गया, बताइए। देखो साइकी मिशन जो है उसमें क्या होता है कि लेजर फायर करी जाती है अर्थ की तरफ 16 मिलियन किलोमीटर दूर से, तो इसमें जो फ्यूचर का कम्युनिकेशन है ना उसको देखा जाता है, 16 मिलियन किलोमीटर दूर से जो है वो फायर किया जाता है लेजर को, ताकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी देख सके। ओके, तो इसमें मेटेलिक एक एस्ट्रॉइड होता है जिसका नाम है 16 साइकी। ओके, ये 16 साइकी को स्टडी करने के लिए कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया था। 2029 तक एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो एस्ट्रॉइड को एक्सप्लोर करेगा, 2 साल उसके ऊपर बिताएगा, पिक्चर्स लेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, है ना, इमेज यूज करेगा, गामा रे, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ये सब यूज करके डाटा है जो कि एक्चुअली में बनाया जाएगा, समझ गए, ध्यान रखिएगा। कौन सी फिश को स्टेट फिश है जो कि डिक्लेयर करी है, गुजरात ने स्टेट फिश जो डिक्लेयर करी है वो किसको, घोल फिश को दोस्तों करी है, है ना, काफी डिलीशियस, काफी महंगी होती है और रिसेंटली इसको इकोनॉमिक वैल्यू और उसकी यूनिकनेस की वजह से नाम है जो कि दिया गया। एक्चुअली में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोटोनीबिया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पर्शियन गल्फ, पर्शियन ओशन में देखने को मिलती है, हमारे यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है। पॉल्यूशन और फिशिंग की वजह से दोस्तों अभी इसको थ्रेट है आज के टाइम पे, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, सर्जरी, वाइन, बियर सब जगह पे इसको काम में लिया जाता है, है ना। अभी रिसेंटली फिशरमैन की जो लॉटरी लगती है उसको बोलते हैं सी गोल्ड। सी गोल्ड की वैल्यू 5,000 से 15,000 केजी है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी। ओके, चलिए, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 कहां पर आयोजित है जो कि करवाया जा रहा है, ये साउथ जकार्ता जो है इंडोनेशिया, वहां पर इसको करवाया जाएगा। नुग्गु वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के लिए घोषित करने की सफलता प्राप्त करी गई, ये कहां पर है बताइए। नुग्गु वाइल्डलाइफ सेंचुरी, ये आपको दोस्तों मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगी, एक्चुअली जो बांदीपुर है ना टाइगर रिजर्व उसी के दोस्तों पास में ये देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अग्नि इनिशिएटिव, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि आपको बताना है कि ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों, आपके IBACIO के लिए भी 27 तारीख से जो है वो बैच लॉन्च हो रहा है तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। 27th of November से आपके IBACIO का बैच जो कि लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आपको 300 घंटे से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस, 50 से भी ज्यादा टेस्ट है जो कि आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ओके, इस क्लास की PDF आपको क्लास 24 पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन, कल वापस अभी 7 बजे वाली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।